Hello everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm gonna record this lecture in Urdu first, and then I will record a separate lecture in English. Urdu मैं इसलिए जो है मतलब पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनरल ऑडियंस के लिए, ताकि उनको समझ आ जाए कि बैट्स के बारे में ये लेक्चर है। ज़्यादातर लोगों को बैट्स के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो ये जनरल मालूमात के लिए भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। स्टूडेंट्स उनसे कुछ आइडियाज़ जो हैं वो पिक कर सकते हैं। लेक्चर का टाइटल है द फ्लाइंग मैमल, बैट, रडार एंड रिजर्वायर ऑफ डेडली वायरसेस। फ्लाइंग मैमल जो बैट्स हैं, वाहिद मैमल है जो कि फ्लाई करता है। फिर इसमें एक ख़ास किस्म का इसका रडार सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट किया है। इसकी बेस पे इन्वेंशंस हुई हैं। बैट्स को स्टडी करने के बाद ह्यूमन बीइंग्स ने वो जो है मतलब इजादात की हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जो बैट्स के अंदर रहते हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। मेन थीम जो इस लेक्चर्स के हैं वो ये हैं कि हम ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात कि बैट्स ए सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्वेंशंस, के ह्यूमन बीइंग ने क्या जो है मतलब बैट्स से सीखा और क्या क्या ईजादात की। दूसरी बात, इम्पोर्टेंस ऑफ बैट्स फॉर इकोसिस्टम, हमारा जो माहौल है, जो इकोसिस्टम है, उसमें बैट्स की क्या अहमियत है, क्या बैट्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात कि बैट्स इज रिजर्वायर्स ऑफ डेडली वायरसेस, कि बैट्स के अंदर कितने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो हैं वो रहते हैं। और फिर क्योंकि ज़्यादातर वायरसेस आजकल भी हम कोरोना के उससे देख रहे हैं कि ये भी बैट्स से निकला हुआ है। इससे पहले भी कई वायरसेस आप जानते हैं, सार्स और मर्स वगैरह जो वायरसेस थे वो भी बैट्स से आए थे। तो बैट्स में आखिर कितने वायरसेस हैं और किस तरह जो है मतलब ये जंप कर जाते हैं और फिर ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और चौथी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाई डोंट बैट्स सफ़र फ्रॉम वायरसेस दैट आर सो डेडली। बैट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करेंगे कि ये वायरसेस जो कि ह्यूमन बीइंग के केस में या दूसरे एनिमल्स के केस में इतने डेडली हैं, इतने पैथोजेनिक हैं, इतने डिजीज़ काज करते हैं, इसकी वजह से इतने लोग मरते हैं, तो बैट्स को ये क्यों कुछ नहीं कहते। आखिर बैट्स में ऐसी क्या बात है कि बैट्स जो हैं इन वायरसेस से महफूज रहते हैं, तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो आप मुख्तलिफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अगर जो है मतलब उनका मुशाहिदा करें तो मालूम होगा कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर बैट्स को बड़ा जो है मतलब नापसंद किया जाता है। जिस तरह के बाइबल में अक्सर आपको जिक्र मिलेगा मुख्तलिफ जगहों पे कि बैट इज़ डिटेस्टेड एंड abominated and it is a symbol of darkness, desolation or ruin। तो वेस्टर्न कल्चर में भी इसके मुतालिक इसी तरह का जो है मतलब कॉन्सेप्ट है कि इसको बहुत नापसंद किया जाता है और इसको एक बदकिस्मती की और तबाही की अलामत जो है बैट्स को समझा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी बैट्स को इसी तरह जो है मतलब पोर्ट्रे किया जाता है मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, कि बैट्स जो हैं वो किसी सीन के अंदर जो है मतलब किसी ऐसी जो वीरान जगह में से निकल रहे होते हैं, तो एक स्केरी सा पिक्चर इसका जो है मतलब हमारे सामने आता है। इस्लाम के अंदर भी ऐसा सच जो है मतलब मुझे तो कोई जिक्र नहीं मिला, मैंने सर्च किया इसके ऊपर, लेकिन जो है मतलब इतना ज़रूर है कि ये ईटिंग के लिए यानी खाने के लिए फिट नहीं है। ये उन एनिमल्स में आता है जिसको जो है मतलब आप खा नहीं सकते या जो कि जो है मतलब पाक नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक किस्म का नापाक तस्वुर है बैट का, इस्लाम के अंदर भी इसी तरह का तस्वर है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि इज इट अ बर्ड और एन एनिमल, क्या ये बर्ड है या एनिमल है। जिस तरह के जो है मतलब अगर बाइबल आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बर्ड है, लेकिन ज़ूलॉजिस्ट इसको जब कैटेगराइज करते हैं तो वो इसको एनिमल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये एक टिपिकल जो है वो मैमल है और इनमें मैमल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इनके ऊपर बाल भी हैं, इनका जो है बॉडी टेम्परेचर है अगर उसको आप देखें कि किस तरह वो कीप करते हैं उसको, और ये जो है मतलब अपने बच्चे इसी तरह पैदा करते हैं जिस तरह के बाकी मैमल्स करते हैं, जिस तरह के ह्यूमन बींग्स करते हैं, और उसी तरह जो है मतलब उनका ख्याल रखते हैं। ये वाहिद जो है मैमल है, तमाम मैमेलियंस जो हैं उनके अंदर वाहिद ये एक मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई मैमल जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो है मतलब आप देख सकते हैं कि फिल्मों में या ख्वाबों में या कहानियों में फ्लाई कर सकता है, लेकिन इन रियलिटी सिर्फ बैट्स ही फ्लाई कर सकते हैं। बैट्स की एक लंबी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। अगर आप इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसकी देखें तो ये पीछे जाके 65 मिलियन ईयर्स जो है मतलब पहले मिलता है कि इनके कॉमन एंसेस्टर दूसरे एनिमल स्पीशीज के साथ थे, यानी उस वक्त ये इमर्ज हुए हैं 65 मिलियन ईयर्स पहले। और इसकी बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं, 1230 मुख्तलिफ अकसाम या स्पीशीज़ जो हैं इसकी दुनिया भर के अंदर पाई जाती हैं। और ये 1230 स्पीशीज़ जो हैं ये तकरीबन तमाम मैमल्स को मिला के उनके 20% ऑफ द मैमल्स अगर आप उनका हिसाब लगाएं तो ये उससे ज़्यादा बनती हैं, इतनी स्पीशीज़ हैं। तो इसका मतलब ये कि सेकंड लार्जेस्ट जो है इसकी स्पीशी वाइज जो है मतलब डाइवर्सिटी है इन मैमल्स, और ये वाहिद फ्लाइंग मैमल है जो कि दुनिया भर के मतलब हर खित्ते के अंदर ये पाया जाता है। बैट्स की इकोसिस्टम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम अगर बैट्स को देखते हैं तो हमें बड़ी फजूल सी चीज़ें लगती हैं कि बैट्स जो हैं वो किसी काम की नहीं है ह्यूमन बीइंग की, लेकिन अगर इनका बिहेवियर जिन लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जिन लोगों ने इसके उनके ऊपर रिसर्च किए हुए हैं, उन्होंने देखा हुआ है कि बैट्स जो हैं वो लाखों की तादाद में जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बग्स हैं जिसमें मॉथ्स, बीटल और क्रिकेट्स वगैरह ये आते हैं, तो ग्रास हॉपर और दूसरे रोशेस, ये तमाम किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं इनको बड़ी तादाद में ये जो है मतलब बैट्स रात के टाइम पे इनका शिकार करते हैं और इनको खाते हैं। तो ये इसी तरह एक इकोसिस्टम में बैलेंस भी क्रिएट करते हैं और एक इन स्पीशीज़ को एक ख़ास हद से जो है मतलब आगे बढ़ने भी नहीं देते। दूसरा इसमें किस्म है जिनको फ्रूट बैट्स जो है वो कहा जाता है, और फ्रूट बैट्स जो है वो फ्रूट्स वगैरह जो है मतलब इन चीज़ों के ऊपर उनकी खुराक ये है, ये खाते रहते हैं। और बहुत सारे जो है मतलब प्रोडक्ट्स इस तरह हैं, 400 तकरीबन एस्टिमेट लगाया हुआ है कि मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बैट्स की वजह से जो है वो मिलते हैं। तो माहौलियात के अंदर इसका एक बड़ा अहम जो है वो रोल है इकोसिस्टम के अंदर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बैट्स का जो है मतलब होना माहौल में स्पीशीज़ के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। और आम तस्वर ये किया जाता है कि बैट्स जो हैं मतलब वो ब्लाइंड हैं, ये अंधे हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, और इसी तरह की चीज़ें जो है मतलब। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि सूरज की रोशनी में इनको कुछ नज़र नहीं आता। ये मुहावरा भी है ब्लाइंड एज बैट, जो कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि बैट्स जो हैं ये देख नहीं सकते या ये ब्लाइंड हैं। तमाम बैट्स ये देख सकते हैं, इनकी जो देखने की सलाहियत है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी कि आप कहें कि भाई बैट्स जो है मतलब देखने से ही सारा काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बात नहीं है, विजन से वो इतना ज़्यादा काम नहीं लेते जितना ज़्यादा वो दूसरे सेंसेस से काम लेते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन ये बात, दूसरी जो अहम बात इनमें है कि बैट्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, इनको कलर को जो है मतलब डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, या ये जो मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे भागते हैं तो उसमें कलर का कोई जो है मतलब या रंग का कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये समझते नहीं, इनकी दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। इज द बैट इन्वेंटर? क्या बैट जो है एक इन्वेंटर है? बैट्स जो अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं, जो आवाज़ है जो कि जो है मतलब मुख्तलिफ रेंजेस हैं आवाज़ के जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो जो अल्ट्रासोनिक ये यूज़ कर रहे हैं इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। 50 मिलियन ईयर्स अगो ये जो बैट्स हैं इन्होंने जो है मतलब ये काउस्टिक एंड इको टेक्नोलॉजी जो है मतलब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। नेचुरली इनके अंदर ये कैपेबिलिटी उस वक़्त डेवलप हो गई थी और उस वक़्त से इसको यूज़ कर रहे हैं 50 मिलियन ईयर्स से। जो साइंटिस्ट ने हिसाब लगाया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है मतलब इनको इस काम में महारत जो है वो हासिल हो गई होगी। ये क्या करते हैं कि ये लगातार इस तरह के सुपरसोनिक क्राइज या आवाज़ें जो हैं वो अपने मुंह से या जो है मतलब नाक से निकालते हैं, और उनके ज़रिए ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये उनका पता लगाते हैं या उनको टारगेट करते हैं कि ये इंसेक्ट्स कहाँ पे है। और वो किस तरह पता चलता है कि ये सुपरसोनिक जो आवाज़ें उनसे निकलती हैं, हम इनको नहीं सुन सकते, लेकिन ये आवाज़ें जो हैं मतलब जब निकलती हैं फिर ये टकराती हैं उन इंसेक्ट्स के साथ, और वहाँ से वापस जो उसकी लहरें आती हैं, जो इको आती है, तो उस इको से फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंसेक्ट जो है वो कहाँ पे है, और फिर एग्जैक्टली उसी जगह पर जाके ये उसी इंसेक्ट को जो है मतलब खा जाते हैं। और इसी तरह ये नेविगेशन भी करते हैं, ये जब इधर से उधर भागते हैं, उड़ते हैं और अंधेरे के अंदर उड़ते हैं, तो यही जो इकोज जो है मतलब अल्ट्रासोनिक रेंज में जो इकोज क्रिएट होती हैं, इसका ये जब साउंड निकालता है अपने मुंह से या नाक से, इकोज जब क्रिएट होती हैं, किसी चीज़ से टकराती हैं, वापस आती हैं, तो उससे इसको पता चलता है कि भाई सामने कोई चीज़ है, तो ये अपनी डायरेक्शन उसके मुताबिक चेंज करता है। ये इंसानों को पता नहीं था बड़े अरसे तक, हमें रिसेंटली पता चला। रिसेंटली इस वजह से कह रहा हूँ कि 1930s और 1940 के अंदर जो है इंसानों को ये पता चला कि बैट्स किस तरह जो है मतलब नेविगेशन करते हैं, किस तरह जो है मतलब ये रात के अंधेरे में जब जो है मतलब इनकी आईसाइट भी इतनी ज़्यादा जो है मतलब तेज़ नहीं है, तो कैसे ये उड़ते हैं और फिर किसी चीज़ से टकराते भी नहीं है, और फिर ये खुराक भी अपनी जो है मतलब रात के टाइम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो है ये एग्जैक्टली टारगेट करते हैं, जिस तरह के जो है मतलब टारगेटिंग होती है। आपने देखा होगा कि वो जो मिसल्स होते हैं और जो गाइडेड मिसल्स होते हैं, और वो जाके अपने टारगेट के ऊपर जो है मतलब लगते हैं। इसी तरह ये अपने टारगेट के ऊपर जो है मतलब जाके चिमट जाते हैं उससे। ये कब से इसके ऊपर जो है मतलब रिसर्च शुरू हुई है, तो 1794 में लाज़ारो स्पैलंजानी ये पहला जो है मतलब साइंटिस्ट था जिसने बैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स उसने इस तरह शुरू किए 1794 में कि उसने एक बैट ली और दूसरी जो है मतलब उसने एक ऑवल एक परिंदा जो है मतलब दूसरा लिया, और फिर उसने जो है मतलब एक कमरे के अंदर इनको बंद कर दिया, एक अंधेरे कमरे के अंदर। फिर उसने देखा कि जो बैट है वो बड़ा फ्रीली अंधेरे कमरे के अंदर जो है मूवमेंट कर रहा था, और फिर वहाँ से निकल भी गया, लेकिन ऑवल जो है वो कभी एक चीज़ से टकराए, कभी दूसरी चीज़ से टकराए, तो उसको ये समझ नहीं आई कि किस तरह जो है मतलब अंधेरे के अंदर बैट जो है मतलब आराम से वो फ्लाई करता रहा और फिर वहाँ से निकल गया। तो उससे उसको जो है वो हुआ कि भाई इसके अंदर कोई ख़ास बात है। एक्सपेरिमेंट के लिए फिर उसने इस तरह किया कि उसने सीक्वेंस से उसके जो सेंसेस हैं, जो उसका टच का सेंस है या स्मेल का सेंस है या टेस्ट का है या हियरिंग का है, इनको उसने डिसेबल करना शुरू किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। जिस तरह के मतलब हियरिंग के लिए आप एयर प्लग करते हैं या कोई और काम करते हैं, या टेस्ट के लिए टेस्ट बस रिमूव करते हैं, या स्मेल के लिए इसी तरह जो है मतलब आप छोटे मोटे काम करके इनकी सेंसेस जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने इस तरह किया और फिर उसने देखा कि भाई ये तमाम काम करने के बावजूद भी बैट्स जो हैं वो अंधेरे के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और उससे जो है मतलब अंधेरे में आराम से ये फ्लाई कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उससे फिर उसने कहा कि ये शायद तमाम चीज़ें जो है मतलब इस बैट्स के लिए वो मददगार नहीं है इस नाइट ट्रैवल में, कि नाइट टाइम जो है मतलब वो फ्लाइंग करता है, बल्कि हो सकता है ये कोई सिक्स सेंस हो। उसने सिक्स सेंस का नाम उसको दिया स्पैलंजानी ने। फिर 1930s और 40s के अंदर ये ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और गैलम्बस, रॉबर्ट गैलम्बस ये दूसरा साइंटिस्ट है, ऊपर जो पेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो है मतलब काम शुरू किया उसके ऊपर। बेसिक अजम्पशंस स्पैलंजानी की और कुछ जो है मतलब और साइंटिस्ट थे, जिसमें ये लुइस जुरिन एक साइंटिस्ट है, स्विस एंटोमोलॉजिस्ट है। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसी के बेस पे इन दोनों ने, ग्रिफिन ने और फिर गैलम्बस ने, आगे जाके उन एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम लुइस जुरिन ने आगे किया था। उसने ये किया कि उसने जो बैट्स हैं उनके ईयर्स को जो है मतलब सिर्फ ईयर्स को प्लग किया, उसके अंदर कोई चीज़ जो है मतलब उसने ठोंस दी और फिर उसने देखा कि जब आप बैट्स के ईयर्स को प्लग करते हैं तो उससे बड़ा असर पड़ जाता है और बैट्स जो हैं फिर उसकी मोमेंट जो है अंधेरे के अंदर उस तरह नहीं रहती, बल्कि बैट्स भी इधर उधर जो है वो टकराते रहते हैं। उसने अपने रिजल्ट स्पैलंजानी को दिखाए और स्पैलंजानी ने फिर अपने सिक्स सेंस की जो थ्योरी है वो तर्क कर दी और फिर उसने कहा कि शायद हियरिंग जो सेंस है इसी की वजह से ही बैट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन जो है वो अंधेरे के अंदर वो करते हैं। तो ये फ्लाइट इन द डार्क स्टडी ऑफ बैट्स जो रॉबर्ट गैलम्बस की का पेपर है 1943 का, ग्रिफिन ने 1958 में इस पे किताब लिखी, लेकिन ये जो नीचे आप पेपर देख रहे हैं experimental determination of supersonic notes emitted by bats, तो ये जर्नल ऑफ मेमोलॉजी में 1938 के अंदर जो है मतलब उसने पब्लिश किया हुआ था ग्रिफिन ने। तो ग्रिफिन ने वो पहला जो है मतलब बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंटल ये डिटर्मिन किया कि ये बैट्स जो हैं ये सुपरसोनिक जो है मतलब नोट्स इमिट करते हैं अपने मुंह से और अपने नाक से, और फिर इन ये इको जो हैं ये जो सुपरसोनिक साउंड्स ये जाके इंसेक्ट्स से जो है मतलब या दूसरी चीज़ों से टकराती हैं और फिर वो वापस आती हैं और इसके ईयर्स तक आती हैं और उसी के बेस पे ये अपना रास्ता जो है मतलब वो बनाता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो येलो आपको नजर आ रहा है ये बैट सोनर है, यानी बैट सोनर बैट जो साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक सीक्वेंस के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस करता है और फिर ये जाके जो है मतलब ये एक इंसेक्ट है, इससे जब ये टकराती हैं तो ये फिर जो है मतलब इससे इको क्रिएट होता है, वो साउंड वेव्स जो है वो वापस जाती हैं और बैट के ईयर में चली जाती हैं, जहाँ से उसको पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे ये इंसेक्ट वाक़ है। ये उसी तरफ पर जो है मतलब बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जो है वो मूव करता है। तो येलो जो है ये बैट सोनर है और ये जो पर्पल टाइप आपको नजर आए ये रिटर्निंग साउंड वेव्स हैं जो कि वापस उसी को जा रही हैं। तो ये बैट्स का एक रडार सिस्टम है, इसको आप कह सकते हैं इको लोकेशन भी कह सकते हैं कि इको के बेस पे आप लोकेशन जो है वो डिटर्मिन करते हैं किसी चीज़ का। Echolocation क्या है कि echolocation is the use of sound waves and echoes to determine where objects are in space. यानी sound waves से या echoes से आप determine करते हैं कि space में या माहौल में कोई चीज जो है कहाँ पे है. तो ये एक स्पेशल रेडार सिस्टम है और इसका काफ़ी जो है मतलब इस्तेमाल पर बाद में हुआ. हम आपको भी बताएंगे कि कौन सी इजादात इसके बेस के ऊपर हुई. ये डोनाल्ड ग्रिफिन है 1915 में इसकी पैदाइश है, 2003 में इसकी डेथ हुई. ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डोनाल्ड ग्रिफिन, इसने पायनियरिंग रिसर्च जो है इस बैट्स के सोनो सिस्टम के ऊपर की और उसने डिटर्मिन किया कि बैट्स जो हैं वो किस तरह जो है मतलब इको लोकेशन करते हैं या नेविगेशन करते हैं, अंधेरे के अंदर किस तरह जो है मतलब ये घूमते फिरते हैं. उसके साथ ये जो न्यूरो साइंटिस्ट था रॉबर्ट गैलाम्बस 1914 टू 2010, तो इस बंदे ने भी इसके साथ मिल के इसके ऊपर काम किया और फिर उसने जो है मतलब वो न्यूरॉन्स या वो सेंसरी जो एस्पेक्ट्स उसके थे तो उसको एक्सप्लोर किया रॉबर्ट गैलाम्बस ने. ये दोनों जो है मतलब ये अमेरिकन थे, इन्होंने बेसिकली तो कहीं और के थे लेकिन अमेरिकन सेटलर्स थे, वहाँ पे इन्होंने ये रिसर्च हार्वर्ड के अंदर की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. फिर ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स का बैट्स इन वॉर टाइम्स, जब दूसरी जंग अजीम थी तो उसमें बैट बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया. 1941 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट चला, एक वॉर प्रोजेक्ट चला जिसको बैट बॉम्ब प्रोजेक्ट जो है वो कहते हैं. और इसका ये था ग्रिफिन उस वक्त वहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा था. तो ग्रिफिन को उन्होंने एडम्स ने ये आइडिया दिया, एक और साइंटिस्ट था, कि अगर हम बैट्स को जो हैं वो इक्विप करें जो है मतलब छोटे छोटे जो है मतलब बॉम्ब्स के साथ और इनको हम टोक्यो के ऊपर यानी जापान के ऊपर रिलीज करें. तो जापान में ज़्यादातर हाउसेस जो हैं वो पेपर के बने होते हैं, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे जो है मतलब धमाके करके उनके सारे जो पेपर हाउसेस हैं उनको उड़ा देंगे. और इसी तरह जो है मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा. जो वॉर प्रोजेक्ट था उसमें ये थीम था कि बैट बॉम्ब जो है वो बनाया जाए और गवर्नमेंट इस आइडिया को सपोर्ट भी कर रही थी. लेकिन ग्रिफिन ने पहले तो उनसे एग्री किया लेकिन बाद में ग्रिफिन ने देखा कि भाई ये बैट्स इतना वजन जो है वो कैरी नहीं कर सकते, इस वजह से वो ज़्यादा होपफुल नहीं था. बाद में भी ये प्रोजेक्ट जो है मतलब वो मटेरियलाइज तो नहीं हुआ लेकिन एडम्स पर फिर भी होपफुल था इसके बारे में और उसका ख्याल था कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो शायद हमें हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हम बड़े आसानी के साथ बैट बॉम्ब के ज़रिए अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको वसूल वो कर लेते. अब जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड्स की वो मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ हैं. जिस तरह के कैट्स के अंदर आप देखते हैं कि 45 जो है मतलब डेसिबल से लेके 64,000 तक डेसिबल तक कैट्स जो हैं वो इस रेंज के अंदर साउंड जो है वो सुन सकते हैं. हॉर्स का 55 टू 33.5 है, एलिफेंट का 16 टू 12,000 है जो कि काफ़ी कम है दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी रेंज से. इसी तरह बैट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है रेंज, 2000 से लेके 110,000 तक इसका जो रेंज है वो बनता है. इसी तरह जो डॉल्फिन है उसका भी 90,000 से लेके 105,000 105,000 तक जो फ्रिक्वेंसी है इसी रेंज में जो है मतलब ये एनिमल सुन सकते हैं. ह्यूमन बीइंग का 20 to 20,000 है. तो इसका मतलब ये है कि बैट जो हैं जो सुपरसोनिक साउंड्स ये वो करते हैं वो 20,000 से अबव जो भी साउंड होगी वो ह्यूमन बीइंग जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता. तो ये साउंड्स इंसेक्ट्स और ये चीज़ें बैट्स वगैरह ये इमिट करते रहते हैं लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते, हमारे कानों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको सुन सकें कि ये क्या कह रहे हैं. इसी तरह डॉल्फिन, व्हेल, श्रूज वगैरह जो हैं और बाज बर्ड्स यानी बाज परिंदे भी इको लोकेशन करते हैं, नेविगेशन करते हैं फूड जो खुराक के पीछे जब ये जाते हैं तो इनके अंदर भी इस किस्म की कैपेबिलिटीज हैं। बल्कि इस तरह भी है कि बाज जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो भी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर जाते हैं इको लोकेशन की, के वो सराउंडिंग के अंदर जो है मतलब इको लोकेशन के जरिए नेविगेट करें, जिस तरह के ये बैट्स या डॉल्फिन वगैरह करते हैं। ह्यूमन्स नहीं सुन सकते जो अल्ट्रासोनिक साउंड हैं, वो हमारी रेंज से बाहर हैं। तो जो इको लोकेटिंग बैट्स होती हैं उनकी ये साउंड्स हमारे कानों में जो है मतलब इर्तियाश पैदा नहीं करती, उस पर्दे में हमें पता नहीं चलता उसका। बाज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं वो सुन सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मॉस और बीटल्स और क्रिकेट्स वगैरह ये जो कीड़े हैं ये सुन सकते हैं। और फिर इनकी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज भी आप देखें कि जब ये मॉस जो हैं ये बैट्स जब साउंड्स इमिट करता है और ये उसको सुन लेते हैं तो ये फिर क्या करते हैं। तो उसमें कुछ तो ये हैं कि वो भाग जाते हैं, दूसरी जगह पे जो है मतलब फ्लाई कर जाते हैं। और बाज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होशियार होते हैं, वो जिग-जैग मोशन करते हैं, जिग-जैग फैशन के अंदर फ्लाई करते हैं, स्पायरल मोशन करते हैं या लूपिंग पैटर्न में जो है मतलब वो फ्लाई करते हैं ताकि बैट्स जो हैं उसको आसानी से लोकेट नहीं कर सके। तो क्योंकि जब ये जिग-जैग मूवमेंट करेंगे तो बैट को फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा साउंड्स निकालने पड़ेंगे ताकि वो हर सेकंड में डिटरमिन करता रहे कि कहाँ पे जो है मतलब किस साइड पे ये इंसेक्ट जो है चला गया, ताकि इसको वो प्रॉपरली लोकेट कर सकें। इसी तरह जो क्रिकेट्स और बीटल्स हैं तो वो खास किस्म के साउंड्स वो निकालते हैं, क्लिकिंग साउंड्स निकालते हैं और वो बैट जो है मतलब उसको डरा देते हैं बैट्स को, और उस डर की वजह से बैट्स जो हैं वो फिर उससे दूर हट जाते हैं और उसको नहीं खाते हैं। इस किस्म की टेक्नोलॉजी अब मिलिट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि वो भी जो है मतलब इस्तेमाल हो रही है, इस किस्म के इजादात भी हुए हैं। तो ये अगर आप देखें तो जो नेविगेशन सिस्टम है, सोनार एंड रेडार नेविगेशन सिस्टम जो हैं, जो कि मिलिट्री यूजेस में बड़ा जो है मतलब फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। आफ्टर द 1940s ये इस्तेमाल में हैं मिलिट्री के मुख्तलिफ कंट्रीज के। तो जिस तरह के बैट इको लोकेशन करता है, इसी तरह जो है मतलब जो सोनर है वो साउंड वेव्स यूज करता है ताकि वो जो है मतलब नेविगेट करें और चीज़ों की जो वो हैं जिस तरह के सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं उनका पता जो है मतलब वो लगाएं। इसी तरह सोनर जो है अंडर वाटर यूज़ होता है, जबकि बैट्स जो हैं ओपन एयर के अंदर वो इको लोकेट करते हैं, ओपन एयर के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस करके चीज़ों को लोकेट करते हैं। इस तरह रेडार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसके जरिए लोकेशन जो है वो प्लान्स की और शिप्स की डिटरमिन करता है। तो बैट भी इसी तरह जो है मतलब करता है। तो रेडार भी बैट की तरह ओपन एयर के अंदर जो है मतलब इस्तेमाल होता है और चीज़ों को लोकेट करता है। तो रेडार या जो ये सिस्टम है इको लोकेशन का या नेविगेशन का, ये सारा जो मिलिट्री के यूज़ के अंदर इस तरह है, या सुपरसोनिक जो उन्होंने चीज़ें एरोप्लेन्स बनाए हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है जो है वो बैट्स की रिसर्च के ऊपर बनी है। बैट्स के ऊपर जब ये रिसर्च हुई तो उसके बाद फिर ये चीज़ें जो है मतलब सामने आई कि हम जो है मतलब जिस तरह बैट्स करते हैं इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स भी चीज़ों को लोकेट करने के लिए ये इस टेक्नोलॉजी को जो सोनर सिस्टम है इसको यूज कर सकते हैं और अभी तक जो है मतलब ये इस्तेमाल के अंदर है, बड़ा इफेक्टिवली जो है मतलब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बैट्स और वायरसेस का आपस में क्या ताल्लुक है। बैट्स के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं। ये जो फ्लाइंग मैमल हैं इसके अंदर तकरीबन अभी तक जो अंदाजा है 137 टोटल वायरसेस इसके अंदर अभी तक जो है मतलब वो डिटेक्ट हुए हैं कि ये बैट्स के अंदर होते हैं। इसमें 61 ऐसे वायरसेस हैं जो कि जूनोटिक हैं, जो कि एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो आ सकते हैं या जंप कर सकते हैं। तो 61 जूनोटिक वायरसेस सो फार डिटेक्ट हुए हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे होंगे। तो स्पीशी वाइज अगर आप देखें तो बैट्स के अंदर वायरसेस की बड़ी डाइवर्सिटी है। ज्यादातर वायरसेस रोडेंट्स से जंप कर गए हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो वायरसेस आए हैं, लेकिन बैट्स के अंदर जो स्पीशी वाइज डाइवर्सिटी है वायरसेस की वो काफी ज्यादा है। इसी तरह इनके अंदर जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं वो दूसरे एनिमल्स की निस्बत वो ज्यादा है, यानी ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज काजिंग पैथोजेंस हैं या वायरसेस हैं वो इनके अंदर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। लेकिन इनमें ये बात है कि बैट से ये वायरसेस जो इसके अंदर होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिजीज काज करते हैं, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैट से डायरेक्ट ट्रांसमिशन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, बल्कि बैट्स इंटरमीडिएट होस्ट या दरमियान में कोई दूसरा जानवर इस तरह होता है जिस से बैट से उसको मुंतकिल हो जाता है और उसी जानवर से फिर ये ह्यूमन बीइंग में वो वायरस जंप करता है। ऐसा नहीं है कि तमाम वायरसेस जो है मतलब इसके अंदर रहेंगे और उसको कुछ नहीं कहेंगे। बाज वायरसेस इस तरह हैं, वो चंद ही हैं जिसमें एडिनो वायरसेस हैं, लाइसा वायरस है, BLV1 है और कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि इसको मार सकते हैं। बैट्स के अंदर वो खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं और इनको मारते हैं। ये उस स्टडी से कुछ मुर्दा बैट्स की स्टडीज से, इस किस्म की एसोसिएशन स्टडीज से ये पता चला कि इस तरह होता है कि बाज वायरसेस ऐसे भी हैं। सियालिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं ब्राउन बैट्स के अंदर और वो रिसेप्टर्स होते हैं एवियन जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं या ह्यूमन जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, इसके रिसेप्टर्स बैट्स के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा या एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस हैं वो बैट्स के अंदर इवॉल्व कर सकते हैं, कि क्योंकि वहाँ पे इसका रिसेप्टर जो है वो है। इस वजह से ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे ये इवोल्यूशन इन वायरसेस की, इन्फ्लुएंजा वायरसेस की भी हो। कौन से वायरसेस जो है मतलब इसके अंदर डिटेक्ट हुए हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसमें पैरामिक्सो वायरसेस हैं, जिनमें हिंड्रा वायरस हैं या नीपा वायरसेस हैं, इबोला, हेमरेजिक फीवर जो वायरसेस हैं जिनको फाइलो वायरसेस हम कहते हैं, ये बी बैट्स के अंदर जो है मतलब ओरिजिनेट हुए। इसी तरह मार्बर्ग हेमरेजिक फीवर फाइलो वायरसेस हैं, ये भी बैट्स के अंदर जो है मतलब ओरिजिनेट हुए, ह्यूमन बीइंग्स में आए। ये सारे वायरसेस ह्यूमन बीइंग में आए और हेमरेजिक फीवर्स और बड़े डेडली कंडीशंस जो है उसका काफ़ी हाई फैटेलिटी रेट है, जिससे बहुत ज़्यादा मरने के चांसेस हैं अगर ये इन्फेक्शन किसी को हो जाए। इसी तरह ये जो सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लाइक कोरोना वायरसेस, सार्स कोवी जिसको हम कहते हैं, जिसमें सार्स जो है, मर्स और SARS-CoV-2 जो अभी कोरोना काज कर रहा है, ये वायरसेस भी ओरिजिनेट बेसिकली जो है मतलब वो बैट्स के अंदर हुए हैं। इसी तरह आपने सुना होगा कि कांगो हेमरेजिक फीवर का नाम सुना होगा, ये वायरस भी बैट्स के अंदर जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इसी तरह रेबीज का वायरस आपने सुना होगा, तो रेबीज का वायरस भी जो है मतलब बैट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक वायरसेस हैं जिनका बड़ा हाई फैटेलिटी रेट है, यानी रेबीज के केस में तो ऑलमोस्ट 100% फैटेलिटी रेट है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें फिर बचत के चांसेस नहीं है। और दूसरे ये जो वायरसेस हैं इसमें भी 70-80% तक जो है मतलब फैटेलिटी रेट वो मुख्तलिफ आउटब्रेक्स के दौरान जो है वो हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। बैट्स और कोरोना वायरसेस, दो किस्म के कोरोना वायरसेस होते हैं जिनको हम अल्फा कोरोना वायरसेस और बीटा कोरोना वायरसेस जो है मतलब वो कहते हैं। और ये दोनों किस्म के वायरसेस जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं बैट्स के अंदर। बैट्स के अंदर मेटाजीनोमिक जो स्टडीज हैं या जो सीक्वेंसिंग स्टडीज हैं उससे पता चला है कि भाई ये वायरसेस जो हैं बेसिकली बैट्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स में प्रेवेलेंट स्पीशीज हैं वायरसेस की वो इनसे जेनेटिकली बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिससे ये अंदाजा होता है कि बेसिकली ये वायरसेस वहां से आए हैं। और मैमल्स के अंदर जितने भी हैं वो यहाँ से आए हैं, बैट से ही आए हैं। ये जो कोरोना वायरसेस नए आए हैं जिन्होंने जो इमर्ज कर गए या री इमर्ज कर गए ओवर द पास्ट 20 इयर्स, गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर, जिसमें सार्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस 2 जिसका जो कोविड-19 कंडीशन काज करता है, ये रिसेंटली जो है मतलब ये भी कोरोना वायरसेस हैं जो कि इमर्ज कर गए हैं और ये बैट्स में से ही निकले। ओरिजिनली जो है मतलब ये बैट्स में थे और फिर ये किसी इंटरमीडिएट स्पीशी के अंदर चले गए और वहां से जिस तरह के कोरोना वायरस 2 जो है वो पेंगुलिन्स के अंदर चला गया तो वहां से फिर ये जंप कर गए ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्यों जो है बैट वायरसेस इमर्ज क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं ये वायरसेस? तो जब बैट्स का जो माहौल है, जो उसका हैबिटेट है जहाँ पे वो रहता है, ह्यूमन बीइंग अगर उसमें जो है मतलब इंक्रोचमेंट करता है और उस हैबिटेट को जो है मतलब वो एक्सप्लोर करता है तो उसमें चांसेस हैं कि वो बैट वायरसेस के साथ जो है मतलब इसका टाकरा हो जाए और बैट्स वायरसेस उसके अंदर मुंतकिल हो जाए। इसकी मिसालें भी हैं, जिस तरह मलेशिया में नीपा वायरस जो कि बैट से ओरिजिनेट हुआ, उसने आउटब्रेक जो है मतलब वो काज कर लिया और उसकी वजह ये थी कि मलेशिया में कुछ कमर्शियल पिग फार्म्स इन्होंने बनाए और वो पिग फार्म्स इन्होंने बनाए बैट इनहेबिटेड फॉरेस्ट से, जहाँ ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे बैट्स बहुत ज्यादा तादाद में थे। तो बैट्स की जो वायरसेस उनसे खारिज हो रहे थे वो पिग्स के अंदर चले गए और पिग्स से जो है मतलब फिर वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि उन पिग्स को वो संभाल रहे थे, नीपा वायरस जो है वो उसमें मुंतकिल हो गया और फिर काफी जो है मतलब बड़ा आउटब्रेक और बड़ा फेटेलिटी रेट, बहुत ज्यादा लोग उससे मरे उसने काज किया। तो इसका मतलब ये कि ये वायरसेस डायरेक्टली जंप नहीं करते ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इनको एक इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है, जिस तरह के नीपा को पिग्स की जरूरत थी। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखते हैं सार्स कोरोना वायरस 1 जो था, जो जिसने 2002 में सार्स आउटब्रेक काज किया था, तो उसका ओरिजिन जो था वो बैट्स के अंदर था। यहाँ आप देख सकते हैं बैट की तस्वीर। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो था ये कैट, ये जो आप देख सकते हैं ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट था। और यहाँ से फिर ये जो है मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मुंतकिल हो गया और इसमें काफी सीरियस कंडीशन इन्होंने काज की। इसी तरह मर्स कोरोना वायरस, इसका जो एपिडेमिक है वो 2012 के अंदर आया था और फिर काफी सालों तक वो चला। 2014, 16, इवन 18, 19 में भी केसेस जो हैं इसके सऊदी अरब और बाज ममालिक के अंदर जो है वो डिटेक्ट हुए। तो इसका ओरिजिन इस वायरस का भी बैट के अंदर था, फिर बैट से ये इंटरमीडिएट होस्ट कैमल के अंदर आया और कैमल से फिर ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आया। सार्स कोरोना वायरस 2 का तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये बैट के अंदर, अगेन ये बैट के अंदर ये वायरस ओरिजिनेट हुआ। और ये जो बैट का वायरस है, बैट को रेट G13 जो वायरस है, जो बैट का वायरस है एक्चुअली कोरोना वायरस है, इसकी 96% सिमिलरिटी है जो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस 2 जो कोविड-19 काज करता है। तो उससे साइंटिस्ट को पता चला कि ये भी जो है मतलब इसका ओरिजिन भी बैट्स के अंदर हुआ है। और यहाँ से फिर ये पेंगुलिन्स के अंदर आया और पेंगुलिन्स से फिर ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मुंतकिल हुआ। तो ये इंटरमीडिएट होस्ट इसको हमेशा चाहिए होता है। बैट्स यानी खुद ब खुद वायरसेस ट्रांसमिट नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्यों बैट्स को बीमारी नहीं होती, वाई बैट्स डोंट सकम टू मोस्ट वायरसेस। बहुत ज़्यादा वायरसेस इसके अंदर हैं, पैथोजेनिक वायरसेस हैं, लेकिन इनको जो है मतलब वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे जो है मतलब स्पीशीज के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चाइना का एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये डिस्कवरी की कि इसमें एक खास किस्म का पाथवे है जिसको कहते हैं स्टिंग इंटरफेरॉन पाथवे। तो ये स्टिंग इंटरफेरॉन पाथवे जो है इन्होंने किया कि बैट्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब डिफेंसिव रिस्पांस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वायरसेस को बड़ी अच्छी तरह जो है मतलब वो डील कर सकता है और वायरसेस ज़्यादा देर तक वो इन्फेक्शन, ख़तरनाक इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। इस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी एक एक्टिवेटेड अगर स्टिंग पाथवे जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज के साथ जो है मतलब वो लिंक किया हुआ है। यानी हमारे लिए ये स्टिंग पाथवे इतना ये काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन बैट्स के लिए जो पाथवे है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता रहता है। ये है क्या, ये एक यूनिक इंटरफेरॉन सिस्टम है। इंटरफेरॉन जो है नॉर्मल जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये बॉडी का जो है मतलब एंटीवायरल रिस्पॉन्स है कि ये सिक्रीट करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये सेल जो है वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है, फिर इंटरफेरॉन स्टिमुलेटरी जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि वायरस की रेप्लिकेशन को या उसकी ट्रांसक्रिप्शन को और इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक करें। तो इसके अंदर ये एक यूनिक इंटरफेरॉन सिस्टम है जो कि इसको इनेबल करता है कि भाई ये वायरस जो हैं वो बैट्स के अंदर रहें और बैट्स जो हैं वो बीमार भी ना हो। मैमल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक लार्ज इंटरफेरॉन लोकस होता है जिसमें कई जो है मतलब इंटरफेरॉन जीन्स होते हैं उस फैमिली के अंदर, और जब इन्फेक्शन होता है जिस तरह के मैंने बताया तो ये एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन बैट्स के अंदर इस तरह नहीं होता। बैट्स के अंदर जो इंटरफेरॉन लोकस है वो इतना बड़ा नहीं होता, कंट्रैक्टेड होता है, और उसमें सिर्फ 3 फंक्शनल जो है इंटरफेरॉन अल्फा के जीन्स होते हैं, और ये जो 3 फंक्शनल इंटरफेरॉन अल्फा के जीन्स हैं वो तकरीबन परमानेंटली या कॉन्स्टिट्यूटिवली, इसको हम कहते हैं कि परमानेंटली वो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है जो डिफेंस के लिए अपने आप को बचाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी सिंथेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमानेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं बैट्स के अंदर, जो कि काफ़ी हैरानकुन बात है कि ये इम्यूनिटी के लिए, ये जो मॉलिक्यूल एंटीवायरल इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड है वो नॉर्मली उसके अंदर जो है नॉर्मल हालात में भी एक्सप्रेस हो रहा है। वैसे तो कंस्टिट्यूटिव जीन्स हम उन जीन्स को कहते हैं कि भाई जो जीन्स वाइटल हो डेवलपमेंट के लिए और उसको एक्सप्रेस होना चाहिए हर टाइम जो है मतलब होना चाहिए, तभी जाके सेल सर्वाइव करेगा, वरना नहीं करेगा। तो बैट्स में ये कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन इनकी होती है और ये जो है मतलब एक्सप्रेस होते हैं बड़े यानी कंस्टिट्यूटिवली हार्मोन। इसी तरह डबलिन यूनिवर्सिटी में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जो बैट मैक्रोफेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब रोबस्ट रिस्पांस और बड़ा क्विक रिस्पांस जो है वो जनरेट करते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन, और वो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं उनको भी सिक्रीट करते हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या हैं, वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करती हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़े ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सार्स कोविड-2 का जो इन्फेक्शन है इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो स्टॉर्म साइटोकाइंस जो स्टॉर्म है उसको लिंक किया गया है कि ये कंडीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है कि बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी जो है मतलब रिस्पॉन्सेस डेवलप हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है जिससे पेशेंट जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो स्ट्रांगर होता तो फिर शायद वो जो है मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है इन्फेक्शन। बैट्स के अंदर इसी तरह ही होता है। इसी तरह ये जो एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट है बैट्स के अंदर, जब ये फ्लाई कर रहे हैं, वाइड मैमल है जो कि फ्लाई करता है, तो ये भी जो इसकी फ्लाइट है वो कई जेनेटिक चेंजेस के साथ एसोसिएट हुए कि इसके जीनोम के अंदर, इसके इम्यून सिस्टम के अंदर कई जो है मतलब चेंजेस इस तरह हो गई हैं कि इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी हो गया। अगर रोडेंट्स की निस्बत आप देखें तो 8 to 16 times ज़्यादा जो है मतलब इनका मेटाबॉलिक रेट होता है। तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि हायर टेम्परेचर जो बॉडी का है वो काफ़ी जो है मतलब बढ़ जाता है। जब ये फ्लाई कर रहा होता है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे इसका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रेंजन हो जाता है और रेजिस्टेंस ये डेवलप करता है वायरसेस के अगेंस्ट। इस वजह से ज़्यादा वायरसेस इसके अंदर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन काज नहीं करते क्योंकि इसके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो इन मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मौजूद होती है। बाज़ दूसरे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर दूसरी तरह भी काम किया। उन्होंने देखा है कि भाई कई मुख्तलिफ किस्म के नाइव किस्म के एंटीबॉडीज़ जो रिस्पॉन्स हैं वायरसेस के अगेंस्ट, ये काफ़ी जो है मतलब जल्दी और बड़ा रोबस्ट तरीके से जो है उसको वो डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह जब बैट्स फ्लाई करते हैं तो इनका जो टेम्परेचर, जिस तरह पहले हमने बात की, वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वो वायरस के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है मतलब नहीं है कि वो रेप्लिकेशन अच्छी तरह जो है मतलब उसको वो कर सकें। लेकिन इससे ये हो जाता है कि ये वायरसेस अडेप्ट कर जाते हैं इस बैट की टेम्परेचर के साथ, हालांकि बैट में उसी तरह इन्फेक्शन काज नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए फिर वो काफ़ी जो है मतलब मसाइल पैदा करते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग फिर फीवर रिस्पांस जो होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है कि जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी जो है मतलब टेम्परेचर, ब्रेन जो है वो इंक्रीज कर लेता है और ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है कि उस पैथोजन को इंक्रीज टेम्परेचर से किल करे। लेकिन अगर वो पहले ही बैट्स के अंदर एडेप्ट हुआ वो इंक्रीज टेम्परेचर को, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि इस किस्म का कोई अमल हो। इसी तरह अगर आप देखें तो कई मुख्तलिफ किस्म के एपिडेमिक्स आए हैं, ऐसे वायरसेस हैं जो बैट से ह्यूमन बींग्स में आए इंटरमीडिएट है उसके थ्रू। इसमें कुछ का हम जिक्र करते हैं, जिसमें मार्बर्ग वायरस 1967 में पहला एपिडेमिक इसका आया और ये एक छोटा सा आउटब्रेक इसने जर्मनी में काज किया हुआ था और वहाँ पे मंकीज के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। मंकीज युगेंडा से इन्होंने मंगाए हुए थे, तो जो लोग उसके साथ इन टच थे तो उनके अंदर फिर ये इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हुआ। और हेमरेजिक फीवर, जिस तरह के डेंगू में और दूसरे वेस्ट नाइल वायरस, येलो फीवर वायरस, इन सारों में होते हैं, इसी तरह हेमरेजिक फीवर मार्बर्ग वायरस में भी होते हैं। तो ये देखे गए हैं इस इन्फेक्शन के केस में और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बॉडी शॉक के अंदर चली जाती है, ऑर्गन फेलियर भी इसमें होता है और डेथ भी जो है मतलब बहुत सारे केसेस में होती है। पहला जो आउटब्रेक था उसमें 25% इसका फैटेलिटी रेट था कि इतने ज़्यादा जो है मतलब 25% लोगों की डेथ उसकी वजह से हुई। 1998-2000 में जो इसका आउटब्रेक आया उसमें मजीद ये ख़तरनाक हो गया था, 80% लोग जो है उससे मरे। और 2005 में जो इसका आउटब्रेक अंगोला के अंदर आया तो उसमें और भी ज़्यादा जो है मतलब लोग उससे मरे। तो ये वायरस जाते कहीं नहीं है, ये इमर्ज और री इमर्ज करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे जो मतलब इसके रिजर्वायर्स हो सकते हैं, तो ये बार बार जो है मतलब जंप कर सकते हैं इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन, एंडेमिक हो जाते हैं बाज़ रीजन्स के अंदर और वहाँ पे फिर ये इमर्ज होके तो डेडलियर फॉर्म में आते हैं। तो कोरोना का भी शायद इस तरह मामला हो जिस तरह की। इसी तरह इबोला का जब आउटब्रेक आया ह्यूमन बींग सूडान में और कांगो में ये आया 1976 में और ब्लड कांटेक्ट के ज़रिए ये जो है मतलब स्प्रेड होता है और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में भी होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड लोगों के टिश्यूज के अंदर भी ये होता है, उससे भी स्प्रेड हो सकता है। तो उसमें कुछ स्ट्रेन ऐसे देखे गए हैं जिस तरह के इबोला रेसिस्टेंट स्ट्रेन हैं जो कि बिल्कुल डिजीज काज नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्ट्रेन भी आए जो कि 50% लोगों में जो है मतलब उन्हें डेथ जो है वो काज की। और सूडान स्ट्रेन जो उस इबोला वायरस का है उसमें ये फैटेलिटी रेट 71% तक जो है वो चला जाता है। इसी तरह वेस्ट अफ्रीका में 2014 में भी इसका एपिडेमिक जो है वो अचानक आउटब्रेक शुरू हो गया। तो अगेन इसमें भी ये वही पैटर्न नजर आया री इमर्जेंस का। इस तरह दूसरे वायरसेस जो हैं जिसमें रेबीज हैं, नीफा वायरस हैं, सार्स है, मर्स है, सार्स कोरोना वायरस 2 है, इन तमाम में देखा गया है कि फैटेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये आउटब्रेक्स जो हैं वो काज करते रहे हैं टाइम टू टाइम जो है मतलब ह्यूमन बीइंग्स में। तो जो कोरोना वायरस है इसका भी बिहेवियर दूसरे जो वायरसेस हमने देखे हुए हैं, कोरोना वायरसेस जो बैट से निकले हुए हैं, वो इससे डिफरेंट नहीं होगा बल्कि ये भी उसी पैटर्न के ऊपर जो है मतलब होगा। इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी वजह से ख़तरा दूसरे वायरसेस जो बैट से निकले हैं उससे ज़्यादा है, क्योंकि दूसरों की ट्रांसमिशन इतनी आसान नहीं थी। हालांकि उनका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ जो है वो हुई, लेकिन ट्रांसमिशन उसकी इतनी आसान नहीं थी जितनी कि ये है। बैट्स आइंदा क्या करेंगे? फिलहाल तो हमें कोरोना के साथ फाइट करनी चाहिए, लेकिन अगर हम इनकी हैबिटेट के अंदर इंक्रोचमेंट जो है वो जारी रखेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें मजीद जो बैट्स वायरसेस हैं उनकी अटैक के लिए भी ह्यूमन बींग्स को तैयार रहना चाहिए कि इस किस्म के एपिडेमिक्स जो हैं वो और भी आ सकते हैं जो कि काफ़ी जो है मतलब ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये था जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर बैट्स के बारे में। जिन लोगों को बैट्स के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था तो ये एक बड़ा अच्छा रिसर्च जो है मतलब मॉडल भी है, इसके बेस पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री इन्वेंशंस भी हुई हैं, मेडिकल इन्वेंशंस भी हुई हैं। इसके बिहेवियर को स्टडी करके कोई चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं बनाई जिसके ऊपर आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई क्या जो है मतलब इसका फ़ायदा है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो इस तरह नहीं है कि हमें बैट्स को मारना चाहिए, बैट्स डायरेक्टली वायरसेस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मुंतकिल नहीं करते, बल्कि दूसरे स्पीशीज़ जो हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमें चाहिए कि हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें और जो है मतलब आगे अपनी रिसर्च को स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।